नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जिससे होटल, सरकारी व निजी गेस्ट हाउस के साथ पार्किंग स्थल भी फुल हो गए। नैनीताल में पर्यटक दिन भर पर्यटन स्थलों पर चहलकदमी करते नजर आए। शहर के हिमालय दर्शन, केव गार्डन, चिड़ियाघर, बड़ा बाजार, तिब्बती बाजार, पंत पार्क आदि पर्यटकों से भरा रहा। भारी संख्या में पर्यटकों ने नौकायन का लुत्फ भी उठाया। वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए और पर्यटकों को असुविधा ना हो, इसके लिए एसपी और डीएम के आदेश अनुसार नैनीताल माल रोड पर शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। बरेली से आए पर्यटक भारत गंगवान ने बताया कि वह नैनीताल घूमने के लिए अपने परिवार के साथ यहां आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल का मौसम बहुत ही अच्छा है, प्रकृति का आनंद लेने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। यात्रा सीजन में काफ़ी अधिक मात्रा में जो है पर्यटक नैनीताल घूमने आ रहे हैं, जो काफ़ी रात तक जो है माल रोड पर घूम रहे हैं। इसके संबंध में मेरे द्वारा जो एसएसपी साहब को एक आवेदन किया गया था कि जो ये माल रोड पे हमारा जो बैरियर लगता है इसको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक कर दिया जाए, जिसमें जो है उस आवेदन पर एसएसपी महोदय और डीएम साहब ने संज्ञान लेते हुए ये माल रोड को जो बैरियर है इसका टाइमिंग जो पहले 6 से 8 था अब इसको 6 से 9 कर दिया है, ताकि आने वाले जो पर्यटक हैं सुगमता से जो है नैनीताल में घूम सकें और यहाँ के मौसम का आनंद ले सकें।